दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत के हाथों 2 मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शराब के नशे में मैदान पर उतरे थे। तो क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई और कौन है वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिसने लगाए हैं अपनी टीम पर ये गंभीर आरोप, इससे जुड़ी सभी खबर हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हमारी इस भारतीय टीम के लिए दिल से एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन ही भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पे जीत कर अपने नाम कर लिया। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की लगातार 2 मैचों में बुरी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस तीसरे टेस्ट के पहले ही अपने निजी कारणों का बहाना बनाकर अपने देश वापस लौट गए। तो वहीं तीसरे टेस्ट मैच में पैट कमिंस की जगह पर स्मिथ टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपने ही टीम के बारे में ये तक कह दिया कि दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शराब के नशे में खेल रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई की पूरी टीम मात्र 35 रनों के अंदर में अपना 8 विकेट गंवा देती है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने कहा, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे सभी खिलाड़ी मानो शराब पी के बैटिंग करने उतरे हैं, क्योंकि एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाए और महज 113 रनों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, रिकी पोंटिंग के इस बयान पे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।